नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति का त्यौहार मुबारक हो। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आयुष्मान कार्ड और BPL कार्ड दोबारा बन रहे हैं। जिन लोगों का BPL कार्ड नहीं बना है, उन लोगों का BPL कार्ड बनेगा। तो यहाँ पे कोई भी गरीब व्यक्ति BPL कार्ड और आयुष्मान कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। सरकार ने हाल ही में वादा किया है और दावा कर रही है कि सभी गरीब फैमिली का यहाँ पे BPL कार्ड बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों के BPL कार्ड बनाए जाए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि आप किस प्रकार कंडीशन को फॉलो करके BPL कार्ड बनवा सकते हैं, और यदि किसी साथी का BPL कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है और यदि वह कंडीशन को बाद में भी फुलफिल नहीं करता है तो उसका BPL कार्ड कट हो जाएगा। तो आपको हम उन ऐसी कंडीशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट आने वाली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हाँ जी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, BPL राशन कार्ड व आयुष्मान कार्ड भारत में नाम काटने का कारण व नाम न आने के मुख्य कारण। यदि हम आपके मुख्य कारणों की बात करें कि आपका BPL कार्ड में या आयुष्मान कार्ड में नाम क्यों नहीं आया है, या फिर आपका नाम पहले था तो अब क्यों कट गया है, उसके 8 मुख्य कारण है। हम उन कारणों की 1 by 1 करके आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। पहला कारण, CBDT। अगर परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 3 साल में आयकर रिटर्न, यानी कि आपने पिछले 3 साल में ITR वार्षिक आय 1.80 लाख प्रतिवर्ष से अधिक भरा है, तो इसका मतलब है कि यदि आपने पिछले 3 साल में अगर आपने 1.80 लाख रुपए से अधिक यदि आपने ITR भरी है तो आपका यहाँ पे BPL और आयुष्मान कार्ड कट हो जाएगा। तो आप अपनी वार्षिक आय को या फिर आप अपनी ITR को नहीं भरे या फिर आप इससे कम ही भरे, तब आपका आयुष्मान कार्ड और BPL कार्ड बन सकता है। दूसरा कारण, इलेक्ट्रिसिटी। अगर परिवार ने 9000 रुपये से अधिक वार्षिक बिजली बिल का भुगतान किया है, या प्रति महीने 700 रुपये से ज़्यादा का बिजली का बिल यदि आपके घर में आता है तो आपका BPL कार्ड कट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने बिजली के बिल को, आपने उतनी ही बिजली की खपत करनी है कि आपका हर महीने का बिल 700 रुपये से कम आए। यदि आपका बिल 700 रुपये से महीने से ज़्यादा हो जाता है तो आपका BPL कार्ड कट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, एम्प्लॉय। अगर परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो आपका यहाँ पे BPL कार्ड कट हो जाएगा। चौथी कंडीशन, फार्मर। अगर परिवार का कोई भी सदस्य किसान है और वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, तब भी आपका BPL और आयुष्मान कार्ड कट हो जाएंगे। तो आपने अपने परिवार की जो सालाना जो इनकम है वो 1.80 लाख रुपए से कम ही रखनी है। यदि आपकी इनकम कम रहती है तो आपका BPL कार्ड बना रहेगा, अदरवाइज आपका कार्ड कट हो जाएगा। पांचवी कंडीशन की अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पांचवी कंडीशन, लेबर। अगर परिवार का कोई भी सदस्य श्रमिक है और उसके पास श्रम कार्ड है और वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है तो उसका BPL कार्ड नहीं बनेगा, उसका BPL कार्ड कट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल मार के एक बात बार बार सामने आ रही है कि आपके परिवार की सालाना जो इनकम है वो 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। छठी कंडीशन की अब हम बात कर लेते हैं, पेंशनर। अगर परिवार का कोई भी सदस्य पेंशनर है, उसको कोई किसी भी प्रकार की पेंशन यदि मिलती है तो वह पेंशन भोगी है और उसकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे अपनी जो वार्षिक आय है वो 1.80 लाख रुपए से कम होनी जरूरी है। सातवीं कंडीशन की अब हम बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी अर्बन।
अगर परिवार के किसी भी सदस्य की शहरी संपत्ति शहरी क्षेत्र में है और यदि उसके मकान का आकार 100 वर्ग गज से अधिक है तो उसका बीपीएल कार्ड रद्द हो जाएगा। और यदि आप गांव में रहते हैं, आठवीं कंडीशन दिखा रखी है प्रॉपर्टी रूरल, अगर परिवार के किसी भी सदस्य की ग्रामीण संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में है और आकार उसका यदि 200 वर्ग गज से अधिक है तो आपका यहाँ पे बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा और यदि बन गया है तो आपका बीपीएल कार्ड रद्द हो जाएगा। ये 8 प्रकार की ऐसी कंडीशन है कि आप इन कंडीशन को हमेशा फॉलो करोगे तभी आपका आयुष्मान और बीपीएल कार्ड बनेगा, नहीं तो आपका कार्ड कट हो जाएगा। तो आप भी यदि बीपीएल राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप इन कंडीशन को फॉलो करना बेहद जरूरी है। और यदि आप इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते, कोई भी एक कंडीशन कोई भी एक रूल यदि आप तोड़ देते हैं तो आप यहाँ पे सरकार के द्वारा दी जा रही बीपीएल राशन कार्ड की सुविधाओं से आप वंचित रह सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि किसी साथी का बीपीएल कार्ड नहीं बना है और वह सभी प्रकार की कंडीशन यदि फॉलो करता है तो वह हमें वीडियो के माध्यम से मैसेज कर सकता है, हम उसका बीपीएल बनवाने में उसकी भरपूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।